हाँ जी, क्या हाल चाल? सब राजे खुशी? बढ़िया। आ जाओ फिर शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। 10.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 12। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, रामता है बैठ के चाप मारने लगे बैठ गया। ठीक है? नहीं शुरू करा। सबसे तो पहला सारे भैया ने राम राम। आ जाओ भी देखो कि क्वेश्चन के अंदर आप आना है गिवन के हैं कि ए ट्रायंगल ए बी सी, कि वो ट्रायंगल दे रखी ए बी और सी। तो सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी जो ट्रायंगल है वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी वो ट्रायंगल को उसके तीनों साइड पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है उसकी तीनों साइड पे। और रेडियस 4 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस कितनी है, हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है। सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इन टू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमें गिवन क्या है कि से बी डी और डी सी है ना डिवाइड हुए हैं, इसमें से बी सी के अंदर से डिवाइड हुए हैं किस पॉइंट के द्वारा, पॉइंट के द्वारा जिसके अंदर से बी डी है। भाई मैंने गलत लिख दिया। ठीक है भाई अपना, ठीक है, यानी पॉइंट मैंने गलत लिख दिया, सी आगा हो रहा है भाई, बी आगा हो रहा है। जो बी डी और डी सी है वो कितने हैं, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, कि साइड अपना ए बी और ए सी है, यानी ए बी और ये ए सी, सॉरी ए बी और ए सी अपन निकालनी है भाई। करा शुरू फिर, देखो भी भाई सोल्यूशन स्टार्ट है अपना। सबसे पहला एक चीज देखो कि अब देखिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट है सी, सी पॉइंट है। अब इस पॉइंट का टेंजेंट अपनी एक तो यह जान लग रही है और एक टेंजेंट ये, दोनों क्या होगी, सेम होगी, या 6 सेंटीमीटर है। तो पहला भी इस नाम दे दिया, के दे वाला ए बी सी डी दे दिया, ई दे दिया एफ, जहां पे टच होने लगा इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पे ए सी टच हो सर्कल को वो पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बन गया ए पॉइंट अपना। तो यहां से जो बी डी है इसके अब 6 सेंटीमीटर है, तो यह भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई। अगर बी डी अपनी 8 सेंटीमीटर है तो यह भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, बहुत बढ़िया। अब एक बात देखो कि अपने पास ये, अब ये देखा जाए ये लेंथ जो ए ई है वो ओ एफ के इक्वल होगी, होगी ए ई इक्वल होगी ए एफ के। क्यों जी, क्यों होगी, अरे ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, और किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो इसको क्या मान लेंगे, एक्स सेंटीमीटर, तो ये भी क्या बन जाएगी, एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक काम और करते हैं इसके अंदर, एक काम करो देखो, तो तुम्हें अलग अलग बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले क्या किया हमने कि लेंथ जो ए ई है इक्वल किसके है, ए एफ के है, और वो कितना है जी, एक्स सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ अगर देखा जाए पूरा का पूरा एसी, एसी ए बी और बी सी, तीन साइड अपने पास, अगर पूरा पूरा ए सी की लेंथ निकालू 6 सेंटीमीटर ये है, एक्स सेंटीमीटर ये है, तो पूरी की पूरी कितनी बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी 6 + x सेंटीमीटर। ठीक है, अब है ए बी, ए बी देखो 8 ये है, एक्स ये है, तो पूरी कितनी बन जाएगी, 8 + x सेंटीमीटर। अब उन्होंने बी सी निकालनी है तो 6 ये है, 8 ये है, तो 8 और 6 कितने बन गए, ये बन गए जी 14 सेंटीमीटर। अब देखा जाए तो इसके लिए हमने सिर्फ x की जरूरत है, अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास साइड के हमें निकालनी ए बी की और बी सी की वैल्यू आ जाएगी जी अपने पास, समझ में आ गया। तो निकालते हैं, इसके लिए अपन यूज करेंगे क्लास 9th के अंदर चैप्टर है अपना हीरोन फॉर्मूला, इसके अंदर हम अपना क्या करेंगे, हीरोन फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो वो क्या है, उसके लिए हमें निकालनी पड़ती है वैल्यू एस की, एस यानी सेमी पेरी मीटर। वो कैसे निकलती है, ए प्लस के बी प्लस के सी, और डिवाइड क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो एस इज इक्वल टू ए, ए क्या होगा, जो अपनी पहली साइड है, प्लस के बी दूसरी वाली साइड, प्लस के सी तीनों साइड, डिवाइड में कितना आएगा, 2। तो एस इज इक्वल टू 6 + 8 कितना बन गया, 14
14 14 कितने बन गए बेटा 28। x और x कितने बन गए भाई 2x, नीचे कितना है 2। तो s की वैल्यू अगर निकालूं भाई, 2 यहां पे भी 2 यहां पे भी, 2 क्या किया हमने आवाज लगाई और ये बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचेगा 14, यहां कितना बचेगा x, नीचे कितना भाई 2। कॉमन तो निकालना आता होगा सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया, फिर तो देखो 2 से तो 2 कट हो गया, यहां से मेरे पास एस की वैल्यू कितनी आ गई 14 प्लस के एक्स। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लंबा क्वेश्चन होने वाला, टेंशन ना लियो अपना, आराम से टिकाई से बैठो। अब एस की वैल्यू तो आ गई, अब यूज करेंगे बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, अब हीरोन फॉर्मूले की बात की जाए तो अपना हीरोन फॉर्मूला क्या होता है पता है सबको? अरे नहीं पता, चलो जी मैं बता देता हूं। वो होता है जी क्या, एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, जो अपनी ट्रायंगल है ए बी सी, इस पूरे का एरिया निकल आएगा अपना। ठीक है, करते हैं एस, देखा जाए तो एस की वैल्यू अपने निकाली है जी, कितनी है जी 14 प्लस के एक्स, तो 14 प्लस के एक्स रख दिया, ब्रैकेट है लगा दी, एस की वैल्यू कितनी है 14 प्लस के एक्स, निशान किसका है माइनस का ए, ए की वैल्यू कितनी है जी पहले वाली, कितनी है जी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे इसको, क्यों रखेंगे क्योंकि माइनस का है, तो 6 प्लस के एक्स रख दीजिए। दोबारा फिर से एस एक्स, एस की वैल्यू रखनी है 14 प्लस के एक्स, माइनस का निशान है, बी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस के एक्स, क्या है 8 प्लस के एक्स। ठीक है, फिर से एस की वैल्यू कितनी है 14 प्लस के एक्स, माइनस में सी की वैल्यू कितनी है, यहां तक कोई दिक्कत भाई नहीं है? बढ़िया, आगे देखो क्या करना है कि 14 प्लस एक्स है, ठीक है जी ब्रैकेट के बाहर है, लिख दिया और बताओ, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे जी, 6 प्लस का था माइनस का, एक्स प्लस का था किस चीज का बन गया माइनस का। अब यही काम करेंगे यहां पे, 14 प्लस के एक्स है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो 8 किसका बन जाएगा माइनस का, एक्स भी किसका माइनस का, अब 14 से 14 क्या बचा, एक्स बच गया जी अपने पास। सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। अब आगे देखो यहां कितना है 14 प्लस के एक्स है, अब देखो जी एक्स से एक्स कट हो गया, 14 माइनस एक्स कितना बचेगा जी अपने पास 8। ठीक है, एक्स से एक्स कट हो गया, 14 माइनस 8 कितना बचा जी 6, और साथ में मल्टीप्लाई में कौन है एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू में यही कर देते हैं। अब क्या है अपने पास है 14 प्लस के एक्स, 8 की 6 से मल्टीप्लाई की कितना बन गया 14, और साथ में कौन है एक्स, ये क्या आ गया एरिया आ गया किस ट्रायंगल का, अपने जो ट्रायंगल है ए बी सी का, आ गया भाई। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रफ करके ठीक है एरिया को यहां लिखता हूं, देखो हाँ जी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपना ये आ गया। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू तो अब भी नहीं निकली, अब क्या किया जाए, तो देखो ठाकुर हमने क्या करते हैं, अब मैं इसको एक और ओ को ज्वाइन कर दिया, ओ को बी को ज्वाइन कर दिया, ओ को सी से, ओ को ई से और ओ को एफ से ज्वाइन कर दिया, लिख देता हूं जी पहले, नाउ ज्वाइन कर लेते हैं ओ ए ओ बी ठीक है और सी ओ एफ एंड ओ ई। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन क्यों कर दिया जी ये तो बता दो हमको। अब एक चीज देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल के तीन टुकड़े करता हूं, एक तो कर दिया मैंने ए ओ सी, ये रहा ठीक है, ये है ए ये है ओ ये है सी, एक बच गया इधर वाला ए ओ बी, ठीक है जी ये रहा, तो ये ए ये ओ और ये बी, अब नीचे वाला बच गया सी ओ बी, तो ये सी ये ओ और ये बी, तीन से बन सकते हैं। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो अपन यूज कर लिया,
अगर ए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट है। अब इन ट्रायंगल्स के अंदर देखा जाए तो इसका बेस मेरे पास 14 प्लस एक्स है, ठीक है। तो यहां से ये ओ ई क्या है, सर्कल की रेडियस है, ये भी कितनी बन जाएगी 4 सेंटीमीटर बन जाएगी। ओ एफ भी क्या है, सर्कल की रेडियस है, रेडियस क्या होगी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी ले लो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये इसकी हाइट क्या हो गई 4 सेंटीमीटर अपने पास है। ऐसे यहां पे जो ये हाइट अपने को 4 दे रखी है और ये 8 और 6 कितना बन गया 14, ये वाली अपने को 8 प्लस के एक्स दे रखी है, ठीक है। क्या करते हैं 4 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स, ठीक है 8 प्लस एक्स है ये 4, ठीक है बढ़िया। अब इसका जो के तो इस ट्रायंगल का, अब इस ट्रायंगल 3 हिस्से बन गए। अब कोई भी चीज है एरिया क्या रहता है सेम रहता है, उसके अगर 4 टुकड़े कर दो या 5 कर दो सबको जोड़ोगे तो एरिया क्या मिलेगा, कंबाइंड मिलेगा। अपने को एक घर बनाते हैं आप, उसके अंदर रूम्स बना दिए, 3 रूम बना दिए, किचन बना दिया, ठीक है अपने वॉशरूम वगैरह बना दिया हमने, कुछ और बना दिया, ठीक है। अब पूरे घर का जो एरिया है मान लेते हैं जी अपना है 200 square feet है, 200 गज रहेगा, वो 200 गज टोटल तो वही है। अब उसके अंदर से हम अगर आपने एक कोई अलग कमरा निकाल दिया 20-25 गज का, एक वो निकाल दिया, सबका मिला के एरिया सेम ही रहेगा अपना, सेम रहेगा ना। वही बात इसकी है भाई, इस एरिया को इसको इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा अपना, ठीक है। यानी जो एरिया होगा ऑफ एरिया, इसको हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो इक्वल होगा किसके जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, इन तीनों के प्लस में होगा, ठीक है। ये ए बी सी का अपना टोटल एरिया तो अपने पास यहां पे आया ही आया है, कितना आया है जी 14 प्लस के एक्स है मल्टीप्लाई में 48x बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या बनता है 1/2 बेस है। बेस देखा जाए तो कितना है जी अपना, बेस है जी एसी, हाइट कितनी है, हाइट है जी बीच वाली ओई, ठीक है। अब ए ओ बी में तो बेस तो मेरा ओबी, ठीक है एबी, और हाइट कितनी है ओएफ। अब इसमें भी बी ओ सी के अंदर भी जो बेस कितना है मेरा वो है बी सी और हाइट क्या है, ठीक है। अब जो जो वैल्यू है रख देते हैं जी 14 प्लस के एक्स मल्टीप्लाई में 48x 1/2 ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी है जी 6 प्लस के एक्स निकाली थी हमने, ठीक है 6 प्लस के एक्स, हाइट कितनी है 4 ही है। अब ऐसे ही ए बी में कितना है जी, ए बी है जी 8 प्लस के एक्स है और हाइट कितनी है 4, ए बी ये रही 8 प्लस के एक्स है और ये कितनी है 8 और 6 14 यानी 14, तो कितना बन जाएगा बेटा 14 मल्टीप्लाई में 4 रख दी वैल्यू भाई। अब ये कट हो रहा है, 2 से कट हुआ कितने पर 2 से, 2 से कट हुआ कितने पर 2 से, 2 से कट हुआ कितने पर 2 से, तो यहां पे क्या बचेगा अपने पास 14 प्लस के x मल्टीप्लाई में 48x। तो यहां से देखो 2 मल्टीप्लाई में है, चलो एक स्टेप और कर देता हूं आप लोगों के लिए, यहां पे ये 2 बचा है इनटू में क्या है 6 प्लस के x, यहां पे 2 बचा है इनटू में क्या है 8 प्लस के x प्लस के 14 का और मल्टीप्लाई में क्या बचा है 2। तो अब क्या है 14 प्लस के x मल्टीप्लाई में 48x, इसकी इससे ही मल्टीप्लाई होगी और इससे भी 6 की 2 से की 12 और 2 की x से की 2x, ऐसे ही 2 की 8 से की 16, 2 की x से की 2x और 14 टूजा कितने बन गए 28। बहुत बढ़िया जी, आगे देखो क्या है 14 प्लस के x मल्टीप्लाई में 48x, 12 प्लस 16 कितना बन गया 28, 28 में 28 प्लस कर दिया कितना बन गया अपने पास बन गया जी 56, 2x प्लस 2x कितना बन गया 4x। बस आगे आंसर टेंशन मत लो, अब तो चिंक चिका बस हो गया भाई, मल्टीप्लाई में कितना है 8x। अब यहां से हमने क्या किया 4 कॉमन निकाल लिया, तो 4 की टेबल में 56 कितने पर आता है 14 पे और यहां कितना बचा x, ठीक है ये फ्रेम में तो आ रहा है ना, ओहो बल्ले से ही आ रहा है। अब भाई यहां करेंगे तो इसको करते हैं रफ अपा, ठीक है क्या
बस थोड़ा रह गया, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे हम, कड़क रहा यार पूरा हो जाएगा, तो देखते हैं। इसके बाद क्या किया हम करेंगे, स्केरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे आप स्केर कर देंगे इसका, भाई इस साइड भी और इस साइड भी, 8x नहीं भाई 48x है। ठीक है, तो देखो क्या है, 14 प्लस के x है मल्टीप्लाई में कितना है 48x इज इक्वल टू में क्या बचा है 4 इंटू में 14 प्लस के एक्स, और इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर, तो इसके स्केयर से तो स्केयर रूट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, अपने पास बचेगा 14 प्लस के एक्स है इंटू में 48x है। अब स्केयर चार का भी है इसका भी है, दोनों का अलग अलग स्केयर है, तो चार का अलग लिख दिया मैंने और 14 प्लस एक्स्ट्रा स्क्वायर अलग से लिख दिया भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब क्या किया जाए जी, ये तो क्वेश्चन लंबा होता जा रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, बस हो गया, बस लास्ट स्टेप अपना ही है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में भाई इस साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो अपने पास है 14 प्लस के एक्स का स्क्वायर और नीचे क्या है 14 प्लस एक्स। अब देखो ये इससे क्या हो गया, कट हो गया, ये एक बार था, ये दो बार, एक बार बच गया, अभी 16 मल्टीप्लाई में बेटा, तो नेक्स्ट टाइम में कर देंगे भाई, इजी हो जाएगा, वरना कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता जी है किस तरह 16 मल्टीप्लाई में है, कहाँ पे आ गया डिवाइड में, यहाँ बचा 14 प्लस एक्स, कट करते हैं कितने पर 3 पे, तो यहाँ कितना बचा 3x बराबर में 14 प्लस के एक्स, एक्स प्लस का है उस साइड जाके माइनस में, तो कितना बचा 2x बराबर में 14, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 डिवाइड बाई 2 यानी 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अरे वाह, तो अब क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ किसकी निकालनी थी जी, AC की, कितना था 6 प्लस x सेंटीमीटर थी है ना, तो क्या बन जाएगी 6 प्लस के 7 यानी 13 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही लेंथ ऑफ किसकी भाई, AB की, 8 प्लस के 7 यानी 15 सेंटीमीटर। आ गया भाई, था ना आसान सा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। ठीक है, हर एक चीज को डिटेल में बताया है, फिर भी कुछ भी कैसे भी तरह का डाउट होना घर की बात है, कमेंट कर लियो, आंसर मिल जाएगा। मिलाएंगे अपना अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।